कोरोना महामारी के दौर में इंदौर के 3 इंजीनियर ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। इंजीनियरों की ये तिकड़ी शासकीय अस्पतालों के रेड जोन में जाकर पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर निशुल्क इंस्टॉल करने का काम कर रही है। दरअसल पीएम केयर्स फंड से सभी जिला अस्पतालों को आधुनिक वेंटिलेटर भेजे गए थे, लेकिन इन्हें इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर नहीं मिल रहे थे। एक दिन अस्पताल में भर्ती सांसों के लिए संघर्ष करते अपने दोस्त की मदद न कर पाने से हताश पंकज क्षीरसागर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए लिखा था कि लोग बड़ी विकट परिस्थितियों में हैं, हम प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पंकज क्षीरसागर की इस पोस्ट के बाद चिराग शाह ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सुबह मैदान पकड़ते हैं, कुछ करते हैं। दूसरे दिन तीसरे साथी शैलेंद्र सिंह के साथ टीम तैयार हुई और चल पड़े अस्पतालों में बंद वेंटिलेटर को चालू करने। इंजीनियरों की ये टिकड़ी कोरोना संकट में प्रदेश के अस्पतालों में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर धूल खा रहे अत्याधुनिक वेंटिलेटर को निशुल्क इंस्टॉल करने का काम कर रही है। इसके साथ ही ये इसे ऑपरेट करने का तरीका भी बता रहे हैं। इंजीनियर अभी तक अनेक जिलों में वेंटिलेटर इंस्टॉल कर चुके हैं। अपने इस नेक काम के चलते इंजीनियरों की इस टिकड़ी ने देश में वेंटिलेटर एक्सप्रेस के नाम से एक अलग पहचान बना ली है। हर तरफ से चिंताजनक खबरें आने लगी तो हमें लगा कि हमें भी अब घर नहीं बैठना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो चिराग जी और शैलेन भाई के साथ हमने सोचा कि इंदौर के MY अस्पताल में जहाँ पर गरीबों का निःशुल्क इलाज होता है उनको बाईपैप मशीन देनी चाहिए। हम वहाँ गए उन मशीनों की बात करने के लिए तो वहाँ के अधीक्षक ने कहा हमें उन्होंने कि आप हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, क्या आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि हम तीनों इंजीनियर्स हैं तो हमने सोचा कि इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए। आधे घंटे में ही हम हमारे पास के औजार लेकर MPH अस्पताल के रेड जोन में पहुँचे और देर रात तक तकरीबन 9 वेंटिलेटर्स हमने चालू कर दिए। अगले दिन सुबह हमें इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से काम करने का मौका मिला। वहाँ पे हमने 3 मशीनें ठीक की और हमारे गाइडेंस में तकरीबन 20 से 22 वेंटिलेटर्स लगे। हमें इंदौर के आसपास के जिलों से बुलावा आने लगा और हमने धार में, शाजापुर में, यहाँ पर जाके मशीनें इंस्टॉल की और हमारे सम्मिलित प्रयास से तकरीबन 50 वेंटिलेटर्स जो हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। और हमें जब खुशी मिली जब उन पर जिन मरीजों को सांसें दी जा रही थी उसके फोटोग्राफ जब हमारे पास आने लगे तो हमें लगा कि हमें और अधिक अच्छा काम करना चाहिए। अब हम तीनों एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से ऑक्सीजन की लाइन डाली जाएगी और कैसे सुविधाएं जुटाई जाएगी उसके दिशा में हमारी टीम काम कर रही है। EMS TV के लिए राम पवार की रिपोर्ट।